अतिक ने हत्या करनार लवलेश तिवारी ना पिता मीडिया सामे आव्या। तेमने कह्यु छे के अमने कोई जानकारी नथी के ते क्यारथी प्रयागराज मां रहेतो हतो। चार थी पांच दिवस पहला घरे आव्यो हतो, वातचीत थई न हती। वर्षो थी मारे पुत्र साथे बोलवारो संबंध पण नथी। ते नशो करतो होवाथी तेने घरनी बहार काढी मूकवामां आव्यो छे। मारी पासे कहेवा माटे कंई ज नथी। धोरण 12 पास हतो अने कंई करतो न हतो, मात्र नशो करतो हतो। आरोपी लवलेश तिवारीना पिता छे यज्ञ कुमार, जेओए मीडिया साथे वातचीत करी छे। हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब है। ये क्या घर में नहीं रहता था? कब से प्रयागराज में रह रहा है? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ पे घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 फुट 5-6 रोज पहले साल। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज से मतलब था। प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोल चाल बंद है। जब उस लड़के की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसे चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। नशा करता है, नशेड़ी आदमी, इसीलिए उनको सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। सर मुझे कुछ नहीं पता, घर पे वो कुछ नहीं बता के जाता। एक हफ्ते से हमारी कोई उससे बातचीत नहीं हुई, ना ही वो एक हफ्ते से घर पे है, और ना ही कभी हमारा अतीक अहमद से हमारा कुछ लेने देना था। व्यवहार सर नॉर्मल था, कभी नहीं लगा कि ये ऐसा कांड करेगा, ऐसी वो वारदात करेगा, कभी नहीं लगा। सर दरअसल सब लोग जुड़े होते हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। कब जुड़ा था ये? सर काफ़ी टाइम हो गया, इनफैक्ट जब वो 13-14 साल के थे तभी जुड़ गए थे। 5-6 साल पहले लड़की को थोड़ा मार दिया था, उसी के मामले में 1.5 साल वो जेल पे रहे हैं, और 2.5-3 साल होगा छूटे।